back to my channel, guys. This is Rajeshree. I hope you all are doing good. So today I'm going to show you or share with you one method which we all need in today's day-to-day life. Yes guys, I'm talking about aloe vera gel. आजकल हम सभी लोग अलग अलग कंपनी के एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे थे, चाहे वो पतंजलि के हो या वॉफ के हो या VLCC के हो, कोई भी प्रोडक्ट के हो. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक योर ओन एलोवेरा जेल एट होम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने घर के प्लांट से ये एलोवेरा का प्लांट ये तोड़कर लाई हूँ. सो इसे आपको जब भी आप कट करके लाते हो, सो इस डायरेक्शन में या तो रख देना होता है या तो ऐसे ही कहीं पर भी टांग देना होता है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ये येलो सब्सटेंस जो निकल रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन. ये येलो सब्सटेंस से या तो आपका स्किन में रैशेस या तो एलर्जी हो सकता है. इसके लिए मेक श्योर वेन एवर यूर कटिंग एलोवेरा प्लांट, सो आपको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक का वैसे निकाल के रखना होता है, ताकि उसके अंदर का जो भी येलो सब्सटेंस होता है, जिसे हमें लैक्सेटिव बोलते हैं, वो निकल जाता है. अभी आफ्टर 45 मिनट्स व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट वॉश द एलोवेरा प्लांट और फिर दोनों तरफ से बारीकी से काट कर मैं इसे मिड से कट कर रही हूँ, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना होगा, मुझे फुल एलोवेरा प्लांट का तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं होगा. सो जैसे जैसे मैं यूज़ करती जाऊँगी, इसे मैं एक एक क्यूब में ले लेके अपने हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ. बट मेक श्योर वेन एवर यू आर यूजिंग दिस, इसे हमें थोड़ा सा पानी में रखना चाहिए एक हाफ एन आवर तक का, क्योंकि इसके अंदर फिर बाकी का जो सब्सटेंस बचा होता है वो भी निकल जाता है. यू विल सी आफ्टर हाफ एन आवर कि वो जो पानी होता है वो या तो येलो या तो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. सो आफ्टर हाफ एन आवर व्हाट आई हैव डन, मैंने इस एलोवेरा प्लांट को ली हूँ, जिसको मैंने क्यूब्स करके रखी थी, बस उसको बीच में से ऐसे स्क्रैच कर रही हूँ और इसे फिर निकाल रही हूँ. सो जो एक्चुअली मुझे मेन इंग्रेडिएंट है इसके बीच में है, इसे मैं अच्छे से निकाल के ले लूँगी. सो इस तरीके से कट करके मैं इसका एलोवेरा निकाल रही हूँ. सो यहाँ पर मैं उतना ही यूज़ कर रही हूँ जितना कि मुझे अभी फ़िलहाल का ज़रूरत है. सो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे दो क्यूब्स ली हूँ और बाकी का जो भी बचा हुआ है उसे मैं एक बाउल में रख के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी. सो मैं वो फॉर अ मंथ यूज़ कर सकती हूँ. सो इसके लिए आपको बार बार अपना एलोवेरा प्लांट कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपका एलोवेरा प्लांट बड़ा है तो. बट येस, ऑब्वियसली अगर वो छोटे साइज़ में है तो आपको निकाल कर आपके हिसाब से यूज़ करना होगा. बट जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर मेरा एलोवेरा प्लांट बड़ा है, इसीलिए मैं इसे क्यूब साइज़ में कट करके उतना ही यूज़ करूँगी जितना कि मुझे चाहिए. सो बाकी के सब मैंने अपने फ्रिज में रख चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने इतना सा कट करके ले चुकी हूँ. अभी जैसे कि मैंने इसे निकाल कर ले ली, अभी मैं इसे मिक्सी में पीस दूँगी. सो मैंने यहाँ पर मिक्सर लिया है, इसमें मैंने जितना भी एलोवेरा निकाली थी उसको मैं इसमें पीस लूँगी. सो इसमें कुछ पानी या वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ये सिर्फ एलोवेरा जेल है. सो इसे बस मिक्सर ग्राइंडर में हमें पीस कर एक बाउल में निकाल लेना है एंड दैट्स इट. ये है हमारा एलोवेरा जेल, इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना अगर आपको 100% एलोवेरा जेल चाहिए तो. सो इस तरीके से हम लोग अपना एलोवेरा जेल बनाते हैं. मैंने इसे अपने एक बाउल में निकाली हूँ. अगर आपको चाहिए तो आप एक कंटेनर में भी इसे रख सकते हैं, आप इसे एक हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इसे रेफ्रिजरेट करके रखना होगा. मेक श्योर वेन एवर यू आर यूजिंग एलोवेरा जेल, यू यूज़ योर होम मेड एलोवेरा जेल, बिकॉज इट इज़ 100% इफेक्टिव एंड प्योर. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन. थैंक यू ऑल. See you soon. Bye.